हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आप सबका एक बार फिर से बैक टू बैक आरआर गेमिंग की एक न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हाँ, तो फाइनली गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट की, यानी कि आज रात को 12 बजे हमको हमारे फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट या बैनर देखने के लिए मिलने वाला है। क्या बात है। और भाई इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स बताने वाला हूँ जो कि हमारे फ्री फायर के अंदर आने वाले हैं, जिनका थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि भाई हमारी नेक्स्ट इवो गन स्किन हो गई, और इसी के साथ साथ हमारे नेक्स्ट फेरिड व्हील, और भाई यहीं पर हमारा नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यानी कि आज की ये वीडियो पूरी फुल लीक्स एंड अपडेट से भरी रहने वाली है, और भाई आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी फुल वॉच करना। हाँ, तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस यार, अगर आप इस वीडियो पर न्यू आ रहे हो एंड पहली बार आ रहे हो, तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा मेरे भाई, उसको दबा दो। उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना मेरे भाई, ठीक है। और भाई यहीं पर कुछ बंदे मेरे को कमेंट करते हैं कि राहुल भाई, जो हमारा लाल कलर का बटन था ना भाई, तुमने बोला दबा दो, हमने दबा दिया तो वो काला पड़ गया। हाँ, तो भाई मैं तुमको बता दूं कि तुम सब्सक्राइब करोगे तो भाई वो काला ही पड़ेगा, पर एक सेकंड में समझ गया। समझ गया, पूरा गेम समझ गया, कौन फिरकी ले रहा है। हाँ हाँ भाई, मेरे को लगता है भाई तुम मेरी फिरकी लेते हो। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने सोचा भाई तुम में से बहुत से बंदे होंगे जो कि भाई बाबू सोना से लड़ाई कर ली होगे, तो भाई तुमको क्यों ना हंसाया जाए। हाँ, तो चलो यार, मस्ती मजाक बहुत हो गया, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ्री फायर किंग की, यानी कि भाई व्हाइट ट्रिपल फोर बंडल की। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। टकलेश्वर दद्दू, हम कहना नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये लक रॉयले देख पा रहे हो, जिसके अंदर भाई हमको ये ब्लैक कलर का बनी बंडल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एकदम बेहतरीन है। और मैं आपको बता दूं, ये बनी बंडल एडिट किया था व्हाइट ट्रिपल फोर ने, और भाई हमारा जो फ्री फायर है ना, व्हाइट ट्रिपल फोर के साथ कॉलअप करने वाला है, और भाई हमको ये बनी बंडल का रॉयले देखने के लिए मिल सकता है गरीना फ्री फायर के अंदर। पर भाई बनी बंडल तो 100% कंफर्म है कि हमारा ब्लैक बनी बंडल आने वाला है हमारे फ्री फायर के अंदर। और भाई इसी के रिकॉर्डिंग आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये गाजर देख पा रहे हो, तो भाई ये गाजर नहीं है, ये हमारी MP5 की स्किन है। अबे क्या बोल रहा है, क्लियर बोल, क्लियर बोल। भाई मैं क्लियर ही बोल रहा हूँ। अभी आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये MP5 देख पा रहे हो ना, यानी कि भाई गाजर देख पा रहे हो ना, तो ये हमारी MP5 ही है, जिसमें एट्रीब्यूट डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल रिलोड स्पीड प्लस, एंड भाई सिंगल एक्यूरेसी माइनस मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये लूट बॉक्स और भाई ग्लू वॉल की स्किन देख पा रहे होगे, तो भाई ये भी हमको हमारे बनी बंडल में ही मिलने वाली है। और भाई आप इस ग्लू वॉल का फाइनल लुक देखो, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है। और भाई ये बनी बंडल लेना भाई हमारे व्हाइट ट्रिपल फोर के साथ कॉलअप होगा ना, तो भाई अभी आप ये सारे रिवॉर्ड्स देख पा रहे होगे, तो भाई ये सारे ही हमारे व्हाइट ट्रिपल फोर के कॉलअप में मिलने वाले हैं हमको। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमको जो व्हाइट ट्रिपल फोर का कॉलअप रहेगा ना, वहां पर कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। भाई ये 100% कंफर्म नहीं करूंगा, पर भाई हमको वो ब्लैक बनी और भाई जो MP5 की स्किन वगैरह ये सब बताई है ना, ये तो आने वाली है, पर भाई फ्री के रिवॉर्ड्स अभी कंफर्म नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके रिसेंट अपडेट ही नहीं निकले हैं। पर भाई हमारे बनी बंडल के रिकॉर्डिंग एक और इवेंट निकल आया है, टोकन टावर। तो अभी आप स्क्रीन पर ये टोकन टावर इवेंट देख पा रहे हो, जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एंड भाई आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पर हमको ये बनी बंडल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम ओपी लग रहा है, ठीक है। तो भाई हमको ये टोकन टावर या लक रॉयले में देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई ये मैं 100% कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि भाई अभी पॉसिबली इवेंट बता रहे हैं, तो भाई वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन से इवेंट में आएगा। पर भाई अभी आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये फेडेड व्हील देख पा रहे हो ना, जो कि भाई थॉमसन इवो गन स्किन का है, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि हमारा इवो थॉमसन आने वाला है, और भाई ये फेडेड व्हील में ही देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप ये लूट बॉक्स देख पा रहे हो, जिसका एनिमेशन एकदम बेहतरीन है, तो ऐसे लूट बॉक्स भी हमको इसी फेडेड व्हील में देखने के लिए मिलने वाला है। और भाई इसके एट्रीब्यूट की बात करें ना थॉमसन के, तो भाई एट्रीब्यूट इसके बहुत ज्यादा ओपी रहने वाले हैं, एंड एनिमेशन वीडियो आप अभी देख ही पा रहे होंगे। और भाई एट्रीब्यूट की बात करें तो सिंगल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर और रीलोड स्पीड माइनस मिलेगी इसमें। और भाई इसी के साथ साथ अगर लेवल की बात करें ना, तो भाई हमको ये हमारे फर्स्ट लेवल पर कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी, और भाई यहीं पर हम जैसे ही इसका लेवल अप करते हैं ना, तो 2 लेवल पर हमको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई 3rd लेवल पर ये थोड़ी एनिमेशन देने लगेगी, और भाई 4th लेवल पर इसकी फायर इफेक्ट वगैरह और एट्रीब्यूट खुल जाएंगे। एंड भाई यहीं पर आप जैसे ही इसको 5 लेवल करोगे ना, तो भाई इसका किल इफेक्ट लूट बॉक्स वाला निकल जाएगा। एंड भाई 6 लेवल पर आपको इसका न्यू लुक मिलेगा, यानी कि फाइनल लुक, ठीक है, जो कि अभी आप यहां पर देख पा रहे होगे। और भाई 7 लेवल पर इसका इमोट, अब भाई आप ये इमोट देख पा रहे होगे, जो कि एकदम बेहतरीन लग रहा है, एकदम ओपी लग रहा है, एकदम फाड़ हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये
इमोट है ना, हमको इसके अंदर मिलने वाला है 7 लेवल अप करने पर। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो हमारी थॉमसन की गन स्किन है ना, इसको आप बिल्कुल इजीली निकाल लोगे 1000 डायमंड में फेडरेट व्हील के अंदर से। पर भाई इसको अपग्रेड करने में आपके बहुत सारे डायमंड खर्च होने वाले हैं। तो गाइस अगर आप थॉमसन चलाते हो तो इसको निकाल सकते हो, अगर नहीं चलाते हो तो भाई मत निकालना, ठीक है। तो गाइस यार ईवो थॉमसन है, निकालना हो तो निकालना, पर भाई मेरे पास जो हमारा इंक्यूबेटर आया था ना, तो भाई वहां से मैंने इंक्यूबेटर फर्स्ट वाली थॉमसन निकाल ली, सेकंड वाली निकाल ली, तो भाई मैं इस ईवो को नहीं लूंगा, ठीक है। मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, एंड भाई आप अपना ओपिनियन शेयर करो, आप थॉमसन लोगे कि नहीं लोगे। बात तो सही है। अब भाई हमारे नेक्स्ट लीक्स एंड अपडेट निकले हैं वुड पीकर गन को लेकर। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर भाई ये देख पा रहे होंगे इनक्यूबेटर थीम, जहां पर भाई हमको वुड पीकर की गन स्किन देखने के लिए मिल रही है, और भाई ये हमारे इनक्यूबेटर के अंदर है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई ये इनक्यूबेटर है ना हमारे फ्री फायर के अंदर आ जाए। अब भाई ये 100% कन्फर्म नहीं है, पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई ये वुड पीकर की गन स्किन कितनी ज्यादा ओपी लग रही है। एंड अगर आप इसके अंदर जाते हो ना, तो आपको इसके अंदर भाई 3 वुड पीकर की गन स्किन देखने के लिए मिलेंगी एकदम लीजेंडरी, और भाई लास्ट की वो रहती है सिंगल ब्लूप्रिंट वाली। तो भाई अभी आप ये सबसे फर्स्ट वाली देख पा रहे हो, जहां पर एट्रीब्यूट हमको डबल डैमेज मिल रहा है, सिंगल मैगजीन माइनस है, और भाई एक्यूरेसी सिंगल प्लस है। अब इसी के साथ साथ हम भाई दूसरी वुड पीकर पे जाते हैं ना, तो दूसरी वुड पीकर के एट्रीब्यूट हमको डबल रेट ऑफ फायर मिलेगा, मैगजीन प्लस मिलेगा, और भाई इसमें मूवमेंट स्पीड माइनस है। तो भाई एट्रीब्यूट तो इसके भी बहुत ही ज्यादा ओपी रहने वाले हैं। और भाई इसकी लुकिंग की बात करें ना, तो भाई अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसकी लुकिंग देख पा रहे होगे, भाई यार क्या ओपी लुकिंग लग रही है, मतलब कि यार दिल छूने वाली लुकिंग है। और भाई इसी के साथ साथ हमको एक व्हाइट कलर की थॉमसन देखने के लिए मिल रही है, जहां पर डबल रेंज है, सिंगल आर्मो पेनिट्रेशन है, और भाई माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमको रिलोड स्पीड माइनस देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। और भाई जो नीचे की दो स्किन और दी हुई है इसमें, पर भाई उनका रिव्यू नहीं हुआ है, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई इस इंक्यूबेटर में, मतलब कि यार 4 गन स्किन वगैरह हो, एंड भाई 4 ही आती है हमारे इंक्यूबेटर में, तो भाई मैंने आपको 4 बता दी। अब भाई चौथी गन स्किन मेरे हाथ नहीं लगी है, क्योंकि भाई मैंने ये लीक्स एंड अपडेट बहुत पहले निकाल लिए हैं, ठीक है। हमारे डाटा माइनर हमको निकाल के देते हैं, एंड भाई हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हमारे डाटा माइनरों ने भाई ये निकाले थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब चौथी गन स्किन लापता है, तो भाई अभी अपन फाइनली बात करते हैं टुनाइट अपडेट का, यानी कि आज रात को 12 बजे हमको हमारे फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट या बैनर देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ तो फाइनली गाइस यार, अगर आप अभी हमारे फ्री फायर के अंदर जाते हो और भाई वहां पर आप लक रॉयले देखते हो, फेडेड व्हील देखते हो, तो भाई आपको यहां पर हर एक चीज में भाई 4-5 दिन, 8 दिन, 30 दिन, 31 दिन का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई ओनली यहां पर एक चीज है, ये फेडेड व्हील जो कि 4 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई फेडेड व्हील और भाई कोई से रॉयल के तो हमारे बहुत कम चांस बन रहे हैं, क्योंकि भाई अभी हमारे फ्री फायर के अंदर चल रहे हैं। पर भाई जो हमारा कोई सा छोटा मोटा वेव इवेंट है ना, वो आज रात को 12 बजे या मॉर्निंग में 4 बजे तक आ सकता है। एंड भाई अभी मेरे को कोई 100% कंफर्म लीक्स एंड अपडेट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भाई अभी अभी हमारा OV38 अपडेट आया था, तो भाई अभी 100% कुछ भी कंफर्म करना संभव ही नहीं है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और भाई मैं टुनाइट अपडेट में आपको कुछ गलत सलत बता भी सकता हूँ, पर भाई उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई आप अगली बार देखने ही नहीं आओगे, क्योंकि भाई यहाँ पर बिल्कुल 100% कन्फर्म टुनाइट अपडेट मिलता है, तभी तो आप देखने आते हो ना। तो भाई अपन 100% कन्फर्म ही देंगे, अब भाई 100% कन्फर्म नहीं है टुनाइट अपडेट तो हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पर भाई आपको जो वेव इवेंट बता दिए हैं ना, वो भाई इसीलिए बताए हैं, इसीलिए मैं बड़ी वीडियो बताता हूँ, ताकि भाई टुनाइट अपडेट की वजह से आपका टाइम खराब ना हो और भाई मैं आगे के इवेंट बता सकूं आपको। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ तो फाइनली गाइस यार, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरे भाई बाय बाय।